भव्य राम दरबार बना रहे हैं, वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं प्रभु राम की। 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट मंचन भी होगा, भव्य आयोजन होगा। 500 वर्ष के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा, रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा में उनका चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। राजधानी रांची की पूरे देश को 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आए हैं, इसलिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। बार का रामनवमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का लोग निर्णय लिया है, क्योंकि सनातन धर्म के 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ये हमारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सका है और पूरे जोशो खरोश से इस पर पूरे हिंदुस्तान भर में उसी प्रकार रांची में भी पूरे जोशो खरोश के साथ रामनवमी बनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें हम सभी आदमी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। रामनवमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से हम रांची वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम, भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। दल बदल करना और काम नहीं करना नेताओं को कभी कभी भारी पड़ता है। बीजेपी की चाईबासा प्रत्याशी गीता कोड़ा का गमरिया के मोहनपुर में ग्रामीणों ने जमकर विरोध करते हुए नारेबाजी की है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने और क्षेत्र में काम नहीं करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। हथियारों से लैस ग्रामीणों के 3 घंटे बंधक से गीता कोड़ा को काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने छुड़ाया। नेता जनता को नौकर समझते हैं और यही कारण है कि नेता जनता को केवल वोट के समय ही याद करते हैं। जनता के लिए काम करना नेता मुनासिब नहीं समझते हैं और संसद और विधानसभाओं में जब जनता उन्हें चुन कर भेजती है तो वो जनता से किए वादे को भूल जाते हैं। कभी कभी काम नहीं करना और दल बदल करना नेताओं को महंगा पड़ता है। बीजेपी की चाईबासा प्रत्याशी गीता कोड़ा का हाट गमहरिया के मोहनपुर में ग्रामीणों ने जमकर विरोध करते हुए नारेबाजी की है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने और क्षेत्र में काम नहीं करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया है। हथियारों से लैस ग्रामीणों ने गीता कोड़ा को 3 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा। गीता कोड़ा को काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उनको छुड़ाने में सफलता पाई। हालात इस कदर बदतर हो गए कि पुलिस को काफ़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर उन्हें सांसद गीता कोड़ा को मुक्त कराने में सफलता हाथ लगी। भाजपा प्रत्याशी और चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा गमहरिया प्रखंड का दौरा करने के लिए आज रापचा पंचायत के मोहनपुर पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की जमकर झड़प हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हरवे हथियार से लैस ग्रामीणों ने गीता कोड़ा का जमकर विरोध किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए भाजपा समर्थकों ने भी उनका जमकर प्रतिकार किया। ग्रामीणों और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई है।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमने गीता कोड़ा को वोट देकर जिताया, लेकिन गीता कोड़ा पिछले 5 साल में एक बार भी क्षेत्र का मुंह झांकने देखने नहीं पहुंची। जनता का काम तो उन्होंने किया ही नहीं, जनता बेचारी बेबस होकर आखिर चुनाव का इंतज़ार कर रही थी। और यही कारण है कि गीता कोड़ा जब गम्हरिया पहुंची तो उनका विरोध जमकर किया गया। और वहीं गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने को लेकर ग्रामीणों ने मतदाताओं का अपमान भी बता डाला। पुलिस की टीम और प्रशासनिक अधिकारी सूचना मिलने के बाद गांव में पहुंचे, ग्रामीणों को काफ़ी समझा बुझाकर शांत कराया और सांसद गीता कोड़ा को भीड़ के बीच से लगभग 3 घंटे बंधक रहने के बाद सुरक्षित निकाला। चाईबासा संसदीय सीट के लिए 13 मई को मतदान होना है। गम्हरिया इसी लोकसभा सीट के तहत आता है। सरायकेला खरसावां जिला मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र सरायकेला के तहत ही आता है। गीता कोड़ा ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव इसी क्षेत्र से जीता है। उसके बाद गीता कोड़ा ने इन लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, लेकिन गीता कोड़ा जिस तरह से क्षेत्र से भागती हुई और काम नहीं करने का जिस तरह से उन पर आरोप लगा, उसके बाद से अब बीजेपी यह सोचने पर विवश हो गई है कि आखिर गीता कोड़ा को उन्होंने प्रत्याशी बनाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जनता के कार्यों को करते हैं। आखिर जब जनता बड़ी पंचायत में उन्हें पहुंचाती है तो ये केवल अपने सुख सुविधाओं और तमाम उपभोग की चीज़ों को उपभोग करने के लिए ही व्यर्थ में चिंतित रहते हैं। ऐसे में जनता के सवाल पीछे छूट जाते हैं तो ऐसे वाकया और ऐसी घटनाओं का सामना सांसद और प्रत्याशियों को करना ही पड़ता है। जिस तरह से गीता कोड़ा को आज 3 घंटे तक ग्रामीणों ने बंधक बनाकर रखा, वो निश्चित रूप से बीजेपी की चिंता बढ़ा रही होगी कि आखिर लोकसभा चुनाव में कहीं बीजेपी ने गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाकर गलती तो नहीं कर दी। मुखर संवाद के लिए सरायकेला से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।